क्लास 5 हिंदी चैप्टर 6 हंसी का पिटारा चुटकुले विकास हिंदी वर्कबुक चैप्टर 6 है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? तो उत्तर है, बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। उसकी माँ उसे कह गई थी अगर गाय आए तो उसे भगाना, लेकिन गाय नहीं आई थी, गधा आया था, तो बेटे ने गधे को नहीं निकाला। दूसरा, दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। दीपक है वो मिठाई नहीं खाता, इसलिए उसका दोस्त उसे मूर्ख कहता है। सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? कि सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक करता है, क्या है? करता है। नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? तो नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उसको मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। कि उसका जो मालिक है उसने नौकर को बोला था कि अगर तुम्हें कुछ काम करना हो तो मुझसे पूछ कर करो। तो किचन में बिल्ली दूध पी रही थी, तो नौकर ने मालिक से पूछा कि बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगाऊं? इसलिए नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया। शामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? शामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। शामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है कि मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। पढ़िए और मज़ा उठाइए, आपको ये पढ़ना है और आनंद लेना है। मालकिन और रामू दोनों बातें कर रहे हैं। मालकिन, रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। रामू, मगर लाता कहाँ से? मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। मालकिन ने क्या बोला था कि पूजा के लिए धूप ले आना, पूजा करते जब हम धूप की अगरबत्ती करते वो लाना। लेकिन रामू ने क्या कहा कि आज तो दिन भर बादल थे, यानी धूप तो निकली नहीं थी, तुम्हें धूप कहाँ से लाता? अरविंद और वर्षा, अक्कल बड़ी या भैंस? भैया, पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है। अमित, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? सुमित, निकलता तो है। अमित, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? सुमित, अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा। पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे? पिता है वो बेटे से पूछ रहा है कि लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे। तो बेटा, इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। कुंभकर्ण रावण का भाई था, वह सिर्फ भूख लगने पर ही नींद से उठता था और ढेर सारा भोजन कर फिर सो जाता था। प्रवृत्तियाँ, पुस्तकालय में जाकर चुटकुले पढ़िए और 5 मजेदार चुटकुले यहाँ लिखिए, उन्हें अपनी कक्षा या प्रार्थना सभा में भी सुनाइए। आपको 5 मजेदार चुटकुले यहाँ पे लिखने हैं। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको 2 यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द करने हैं। जैसे यहाँ पे सूखा है, सूखा का क्या होगा? गीला। सुबह, सुबह का क्या होगा? शाम। मूर्ख का क्या होगा? बुद्धिमान। ये सब इसके विलोम शब्द हैं। दोस्त का क्या होगा? दुश्मन। गलत का क्या होगा? सही। और दिन का क्या होगा? रात। ये विलोम शब्द नीचे आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सुबह का है शाम, दोस्त का दुश्मन, मूर्ख का बुद्धिमान, दिन का रात, गलत का सही और सूखा का गीला। ये विलोम शब्द इस तरह से आपको करने हैं। आगे है, उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो विलोम शब्द हमने किए हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है, पहला यहाँ पे करके दे रखा है उदाहरण कि सुबह में बारिश का वातावरण था लेकिन शाम तक नहीं आई। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों लिए, सुबह का शाम होता है अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द। तो सुबह में बारिश का वातावरण था लेकिन शाम तक नहीं आई। वैसे मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला। यहाँ पे दोस्त और दुश्मन,
दो विलोम शब्द किए हमने कि मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला। लोग भोलू को मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला। यहाँ पे मूर्ख और बुद्धिमान विलोम शब्द किए। सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात, और दिन और रात ये विलोम शब्द है। मैंने सोचा उत्तर गलत होगा लेकिन वह सही था। गलत और सही ये विलोम शब्द। मैंने सोचा मेरा पजामा सूखा होगा लेकिन वह गीला था। सूखा और गीला विलोम शब्द थे। अब ये समानार्थी शब्द जो समान अर्थ देते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। उनकी जोड़ियां बनानी है। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं उसी तरह। दोस्त दोस्त को और क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द जो निकलता है वो मित्र। सुबह सुबह को प्रातः काल। मूर्ख मूर्ख को बेवकूफ। और वक्त और समय ये सब समान अर्थ वाले शब्द हैं। दोस्त मित्र मूर्ख बेवकूफ सुबह प्रातः काल वक्त और समय। इसी को भी इसी तरह वाक्य शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। इन्हीं समानार्थी शब्द का एक हमें करके दे रखा है। उदाहरण के लिए मोहन और सोहन अच्छे दोस्त थे। मोहन और सोहन अच्छे मित्र थे। तो यहाँ पे दोस्त और मित्र दो समानार्थी शब्द हैं। कालिदास मूर्ख था। कालिदास बेवकूफ था। तो ये दो समानार्थी शब्द हुए। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। सुबह और प्रातःकाल। इसी वक्त गाड़ी जा रही है। इसी वक्त इसी समय गाड़ी जा रही है। वक्त और समय दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह आपको करना है।